Everyone's doing a fab job. Everyone is doing a fab job. Everybody's really liking the song. I think सही बिल्कुल सही टाइम पे आया है. I think ऐसे टाइप के म्यूजिक वीडियोस और आएंगे तो it'll be a good thing. Faisu is doing really good. Jannat is doing really good. Avneet is doing superbly well. ओके तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी फीडबैक किस तरह का मिला, क्योंकि गाने को अभी सिर्फ एक दिन ही हुए हैं आए हुए और काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है. सबसे बेस्ट फीडबैक आपने जो कमेंट पढ़ा वो क्या था? आई थिंक इट वॉज लुकिंग गॉर्जियस फन फेस्टिव सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग ऑफ द सीजन नहीं जाना समथिंग लाइक दैट. या सो एवरीबडी इज रियली लाइकिंग द सॉन्ग. आई थिंक कितना क्रॉस हो गया? 1-3 It's crossed 3 million. It's going super duper. So everybody is really liking the song. I think sahi bilkul sahi time pe aaya hai and this yeah even on TikTok people have started using the track which is how you know ke chote chote clips dal rahe hain wahan pe wo highlight ho raha hai fir the people are using the chota chota part of that uska drop bhi kafi use ho raha hai which is good and they like that part wo kaun sa maan shopping ka wala yeah ha to the lyrics are very cute yeah usme drama hai ना शॉपिंग करवाए ना लंबी ड्राइव पे ले जाए. दीस आर द कंप्लेंट्स एवरी गर्ल हैज. सो या दैट पार्ट इज वेरी स्वीट. म्यूजिक एल्बम्स काफी ट्रेंड कर रहा है दीस इज राइट. तो कोई ऐसा म्यूजिक अपार्ट फ्रॉम योर एल्बम जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया हो या कुछ ऐसा जो आप कमेंट करना चाहें? आई कैन लुक एट हर एज वेल. यू आंसर ना यू स्टार्ट. You're sitting in the middle, you start. Ladies first, na. Bar, Saki Saki, you know, are you talking about independent? Yeah, independent songs. बहुत है. बहुत है actually. हमारे हमारे लोग ही है जो काफी अच्छा कर रहे हैं. Okay, okay. Talking about TikTokers only, then Faisu and Faisu is doing really good. Jannat is doing really good. Avneet is doing superbly well. उनके सारे हर एक के वीडियोस बहुत डिफरेंट आ रहे हैं विच इज़ अ यू नो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर फैंस एज वेल. दे वेट फॉर देयर फेवरेट्स टू कम ऑन द बिग स्क्रीन एंड क्या स्टोरी लेके बाहर आ रहे हैं. आई थिंक दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी देम इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट स्टोरीज. हाँ तो आई थिंक एवरीवन इज डूइंग अ फैब जॉब. एवरीवन इज डूइंग अ फैब जॉब. कि अभी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे टीम 07 है, जैसे आपने अभी इतने सारे क्रिएटिव एल्बम्स किए हैं रिसेंट अभी टाइम्स में, तो कोई ऐसा टीम 07 के कोई कंटेंट मतलब जो उनकी टीम मेंबर्स हैं उनमें से सभी का कोई ना कोई एल्बम्स आने वाला है, तो आपको किस तरह का कंटेंट आपको लगता है कि आएगा तो शायद और भी ज़्यादा ऑडियंस को अच्छा लगेगा? अभी टीम 07 ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें आई थिंक ड्रग्स के ऊपर उन्होंने बनाया था और वो काफ़ी हाँ वो नज़र ना लग जाए काफ़ी रामजी गुलाटी सर ने बनाया था उनके साथ में हमने काम किया तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक वैसे टाइप के म्यूज़िक वीडियोस और आएंगे. या सो इट हैड अ वेरी गुड मैसेज ऑल्सो एट द एंड. वो एक डायलॉग था जो डायलॉग्स ना एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं. सो दैट डायलॉग वॉज वेरी गुड कि अगर मैं आज इनको नहीं रोकूंगा तो जैसे हमारे पास हमारा दोस्त नहीं है उनका भी नहीं रहूँगा फैमिली मेम्बर. सो दैट वॉज वेरी गुड. आई थिंक ऐसे टाइप के म्यूजिक वीडियोज और आएंगे तो इट बी अ गुड थिंग विथ अलॉन्ग विथ ऑफकोर्स विथ फन सॉन्ग्स एंड एन एवरी थिंग. सो हाँ आई थिंक फ्यू I'm already doing few of them, which you'll get to know. Yeah. इसी बात से एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी फैज़ु ने recently अपना perfume डियो जो है उनका वो किया था, क्यों आपका भी काफ़ी ज़्यादा आपके fans बेकरार रहते हैं आपको देखने के लिए, तो कोई ऐसा product आप सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में है कुछ जो ऐसा ला सकते? ऐसा सोचा तो नहीं है पर अगर ऐसे आपने बोला तो मेरे पास एक आइडिया ऑलरेडी आ गया. बिकॉज सी आई एम अ डांसर. सो आई एम अ डांसर सो मेनली वेयर फंकी हिप हॉप क्लोथ सो आई माइट कम अप विद ओके अब गर्ल्स की बात करें तो इस तरह से गाने में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव रही हैं आप लोग और अपने फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश कर दी. आपको अगर रियल लाइफ में अगर इस तरह से कोई जेस्चर करना होगा किसी के लिए तो किस तरह का होगा? क्या वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? इस सॉन्ग में मुझे अनमोल के लिए करना था तो जब मुझे करना होगा तो मैं बोलूँगी अनमोल करेगी. क्या सो इनडायरेक्ट आई कॉन्ट डू इट डायरेक्ट. I can't do it directly. No. So, but what it would be? What would you say? Yeah, I think उसको बोलूँगी थोड़ा गाना वाना गाए डांस वांस करे मेरी तरफ से. No, but yeah, I mean, I think girls are a little shy, so they always give hints, but they don't actually, you know, go and tell their feelings. There's always a something behind a nothing. So yeah, read between the lines types. के चक्कर में बेचारे boys.
हाँ इट विल बी अ हिंट. She's literally talking what I would say. Yeah, so that she's totally right because girls are shy. मैं personally एक बहुत ही shy लड़की हूँ, so मैं obviously hints जरूर दूंगी थोड़े बहुत, but I don't think straightforward कभी बोल पाऊंगी. Please hints अच्छे वाले देना, लेकिन ना ऐसे खाली मैं कुछ समझ में नहीं आया वैसे वाले नहीं देना, ताकि कुछ तो क्लीन हो. आपके जितने भी टेलीविजन फैंस हैं, उनको अगर आपको एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेस करना होगा एक एक करके, आप अगर बताएं तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे अपना लव उनके लिए? हम तो अपने म्यूजिक वीडियो वाले स्टाइल में करेंगे. चलो करके दिखा दो. व्हाट वी रियली फील, वी फील लव फॉर यू गाइस. ये भी था और ये भी था, ऐसे वाला भी था, हार्ट था, ये था और ये था.